पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व बेस्ट फीडिंग सप्ताह जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलाया जा रहा है, इसी के अंतर्गत इनर व्हील क्लब ऑफ मुरादाबाद एसेंस ने गैलेक्सी हॉस्पिटल में बेस्ट फीडिंग डे का आयोजन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर मनीषा जैन उपस्थित रहीं। उन्होंने नवजात शिशुओं, माताओं और शिशुओं को माता के दूध से होने वाले लाभों की जानकारी उपलब्ध कराई। महिलाओं को बताया कि माँ के दूध से नवजात शिशुओं को बीमारी से बचाने में सहायता मिलती है और ये दूध शिशुओं के लिए संपूर्ण आहार होता है। 2 साल तक बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से भी बची रहती हैं। क्लब की अध्यक्ष रश्मि दुग्गल और सदस्याएं मेघा अग्रवाल, आंचल वाधवा, रुचि सिंघल, नेहा कोटीवाल, मोना गुप्ता, वंदना कपूर, जूही सिंघल, ऋचा अग्रवाल, छवि, उर्षी चैताली, सारिका द्वारा फल और खाने की सामग्री आदि का वितरण किया गया। आई थिंक आपने सभी पेशेंट्स को बहुत अच्छे से पता चल गया है कैसे करना है, और यहाँ पर हमारे सेंस क्लब के और मेंबर्स सारे आए हुए हैं एंड थैंक यू सो मच। इतने टावर के रश में भी ये लोग प्रेजेंट हुए हैं और सबको समझाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि कैसे यूज़ होते हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट। पता हो हम सब अवेयर इनसे और ये कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग इज अ बूम एक्चुअली। It should be started within 4 hours of cesarean and within 1 hour of normal delivery. Actually, जो first 3 days breast milk जो निकलता है वो कोलेस्ट्रॉल में बहुत रिच होता है, उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जिससे बच्चे को रोग प्रतिरोधक शक्ति मिलती है। इसके अलावा उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन, मतलब वो एक संपूर्ण आहार है कि जिसके साथ हमें कुछ भी और नहीं देना होता। दूध के अलावा, माँ के दूध के अलावा बच्चे को रोटी, शहद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।